भगत सिंह नूं सिलेबस चो बाहर कढ के शामिल कीते जाण वाले कौन हन? डॉक्टर हेडगेवार भगत सिंह नूं सिलेबस चो बाहर कढ के शामिल कीते जाण वाले डॉक्टर हेडगेवार बारे जाणो असल सच। बीजेपी क्यों जोर पा रही है कि शामिल कीता जावे डॉक्टर हेडगेवार दा भाषण सिलेबसां विच? स्वागत है दोस्तों लोक आवाज टीवी नाल जुड़े हुए हो तुसी ते मैं मोहन सिंह औलख। दोस्तों पिछले दिन ही कर्नाटका सरकार वालों यह फैसला लिया जाता है कि शहीद भगत सिंह नूं सिलेबसां दे विचों बाहर कढ के डॉक्टर हेडगेवार नूं सिलेबस शामिल किया जाऊगा। दसवीं जमात के सिलेबस के डॉक्टर हेडगेवार के उस भाषण में शामिल किया जाता है जिदे नौजवानों प्रेरित करते हैं। नौजवानों की प्रेरणा देंगे ने तुसी RSS की वैबसाइट पर जाओ। डॉक्टर हेडगेवार संस्थापक ने RSS के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार वालों बनाई जाती है। वैबसाइट पर जाओ डॉक्टर हेडगेवार के हवाले नाल एक कहा जा रहा है नौजवानों कि तुसी हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हर एक हिंदू हर एक नौजवान अगे आवे और ये प्रचार उदों तो किया जा रहा जो सारा मुल्क एक सी सारा मुल्क इकट्ठा होकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा सी। उस समय ये तय किया जाता है कि RSS जदों तो स्थापित हुई है जदों इसकी स्थापना हो जाती है कि कोई भी RSS का मैंबर अंग्रेजों खिलाफ लड़े जा रहे किसी भी अंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। इस तो बिना होर भी कई हैरान करने वाली गल्लां जो डॉक्टर हेडगेवार बारे ने। डॉक्टर हेडगेवार दो बार जेल जाते हैं, एक बार 1920 उस तो बाद 1926-27 के आसपास 1926 के आसपास वो RSS स्थापना करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि वो इस करके नहीं जेल जाते कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा आता सी जां वो देश नूं अंग्रेजों तो आज़ाद करवाना चाहते सी। नहीं, वो इस करके जेल जाते कि कांग्रेस पार्टी के वर्करां नूं RSS दे नाल जोड़िया जा सके। इस करके वो खुद जाते हैं और ये तय करके जाते हैं कि उन्हां तो बिना कोई भी वर्कर RSS का अंग्रेजों खिलाफ लड़े जा रहे अंदोलन शामिल नहीं होगा। 1930 जो पूर्ण स्वराज की मंग उठती है कांग्रेस पार्टी वालों तिरंगा लहराने की गल की जाती है तो इहदा विरोध करदिआं RSS के संस्थापक ये तय करते हैं कि इहदे विरोध के भगवें झंडे जिहड़े लहराए जा। 1947 RSS के जिहड़ा मैगजीन आ ऑर्गेनाइजर वो छपता है 14 अगस्त 1947 कि बेशक सत्ता बदल गई है पर यह जिहड़ा तिरंगा साढ़े हत्थां थमाया गया ये साडा नहीं हैगा। संविधान जिहड़ा बाद दे विच बनदा हेडगेवार की विचारधारा से चलन वाली RSS ये मनती है कि संविधान साडा नहीं हैगा। इहदी थां ते वो मनुस्मृति नूं मनदे ने, इहदी थां ते वो भगवा झंडा लहराउण की गल करदे ने। तुसीं देखो हिंदू मुस्लिम करन वाला इंसान जो पूरा देश अंग्रेजों के जुल्म सह रहा सी हिंदू मुस्लिम करन वाला इंसान की सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए? सो जवाब तुसीं खुद ही लभ लेना हैगा। एक डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर बनाउण दे लई साडे बच्चियां नूं हेडगेवार वर्गे बंदे नायक नहीं उभारे जा सकते। उहदी जगह ते शहीद भगत सिंह जिहड़ा जमाती समाज की गल करदा जिहड़ा जात पात धर्म नूं निजी मामला मनदा और यह कहिंदा कि समाज में जमाती नजरिए तो देखा जाए एक पासे वो जिहड़े लुटेरे ने उन्हां खिलाफ लड़िया जाए एक पासे वो जिहड़े दी लुट हुंदी उन्होंने पक्ष च बोलिया जाए। ये दो जमातां ने समाज के इन्हां नूं समझ के ही समाज में अगे वधाया जा सकता फिर ही समाज के जिहड़ी लुट हो रही है उन्हूं रोकिया जा सकता। होर खबरां दे लई देखदे रहो लोक आवाज़ TV। धन्यवाद।